आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के पूरे दिन के लिए और इस रात्रि के समय अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के संरक्षण के लिए और अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करें। आंखें मंद कीजिए। करुणामय पिता, यीशु के पिता, हमारे पिता, भले बुरे के पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारी आराधना के योग्य है, तू हमारे धन्यवाद के योग्य है। तेरे वचन में लिखा हुआ है हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है, ईश्वर हमारा उद्धार करता है, प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाता है। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर वचन है, यह हमारे जीवन का अनुभव है। पिता, आज के पूरे दिन हमने अनुभव किया कि तूने हमें संभाला है, हर प्रकार की विपत्ति से बचा के रखा है, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से बचा के रखा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये पिता। इस समय हम अपने में महसूस करते हैं उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हमने ना जाने कितना अपराध और पाप किया आज के पूरे दिन। अपने विचार में, अपने मन में, अपनी बोली के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उन सारे पापों को क्षमा करना पिता, उन सारे पापों के कलंक को मिटा देना, हमारी आत्माओं को, हमारे मनों को हर प्रकार के दाग से मुक्त करना, हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करना पिता, हमें शुद्ध करना, पवित्र करना, ताकि आज की ये रात हमारे लिए आशीष की रात बने। ये प्रेमी पिता, इस समय हम समर्पित करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, तू ही सब कुछ का स्रोत है। हम अपने परिवार को तुझे समर्पित करते हैं, हम अपने परिजनों को तुझे समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक सदस्य को तुझे समर्पित करते हैं, विशेष करके जो रोगी हैं और कमजोर हैं तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रेमी पिता, हम अपने काम धंधे को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारी योजनाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें संरक्षण देना। आज की रात में तू अपने दूतों को भेजकर हमें सुरक्षा प्रदान करना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें प्रदान करना, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच और हर तरह के कार्य से हमें बचा के रखना, हर तरह की विपत्ति से और तरह की बीमारी से बचा के रखना। आज रात हमारे लिए शांति की रात हो, अनुग्रह की रात हो, कल सुबह हम उठें तेरी आशीष पाने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए। करुणामय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस पवित्र समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए भी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, जो चिंतित है उनकी चिंताओं को मिटाना, जो शोकित है उनके शोक को मिटाना, जिनकी आंखों में समय आंसू हैं उन आंसुओं को पोंछ देना पिता, उन्हें आशीष देना। आज की पूरी रात उनके लिए शांति की रात हो, आशीष की रात हो, कल सुबह वे एक नए दिन को देखने के लिए बड़े प्रेम के साथ, उत्साह के साथ उठ सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आशीर्वाद।